सकता। Don't touch me. हम किसी दूसरे की अमानत है। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। उठ बके ललिया कनवा के बोलिया आयो खिया के देखे। आए है। आपकी शादी हो गई? हाँ हो गई है। किससे हुई? लड़के से। हाँ तो मैडम शादी तो लड़के से ही होती है ना? नहीं मेरे भाई की तो लड़की से हुई है। एक्सक्यूज मी। यस। क्या आप जादूगर हो? नहीं क्यों? क्योंकि जब भी मैं आपकी तरफ देखती हूँ बाकी सब लोग गायब हो जाते हैं। तेनू एक एक प्यार कर दी वैदा सोने या तेरे ते मर दी। मम्मी मम्मी अरे सामने वाले की छोरी समझा ले, इसे किसे कूट दूंगा, इसके मुंह का मशरूम बना दूंगा बढ़िया करके। छेड़ा करती है मन्ने आते जाते, बता रहा हूँ मैं। पगली पगली कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों? पगले पगले तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं दिल्ली में कुतुब मीनार है। ओए जैसे अभी मैंने क्या पढ़ा है बताओ? क्या पढ़ा है बताओ बताओ? दिल्ली में कुतुब मीनार है। दिल्ली में कुतुब मीनार। हेलो 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 कहाँ से बोल रहे हो? वही पुराना सिस्टम मुंह से। अभी साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की, कहीं और से बोलूं। निमंत्रण देने आए हैं, हमारे नाती का मुंडन है। होगी पार्टी बजेगा गाना, हमारे नाती का मुंडन है, जलूल जलूल आना। हाँ हाँ जलूल जलूल आएंगे, जलूल जलूल आएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? एमपी सर। एमपी पूरा नाम बताओ ना। मोहन पाल सर। अच्छा मोहन पाल। पिताजी का क्या नाम है? एमपी सर। नहीं पिताजी का क्या नाम है? मनमोहन पाल सर। अच्छा कहाँ से हो? एमपी सर। Don't touch me. हम किसी दूसरे की अमानत है। नहीं तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। इसे तोड़ो मरोड़ो गंदा करो मैला करो फिर भी ये चलता है क्योंकि ये पैसा है। That's the power of money. अगर पैसे की अहमियत जाननी है तो किसी से मांग कर देखो, मांगने से पहले ही उसकी आंखों में ना नजर आएगा। कौन है बे तू? दुश्मन, जान का भी माल का भी। जानता है हम कौन है? अब उन सिर्फ इतना जानता है। दुनिया मांगे सोना चांदी, हम मांगी मेहरारू। हाय क्या बात है। दुनिया मांगे सोना चांदी, हम मांगी। आंटी जी हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। अच्छा काम क्या करते हो? मैं बापू हूँ। बाबू? अच्छा बाबू हो, कौन से विभाग में? आंटी मैं आपकी बेटी का बाबू हूँ। बाबू आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। लिखने में कैसा है? लिखने में तो और भी ज्यादा बेकार है, मतलब उसको अपनी खुद की राइटिंग की समझ में नहीं आती है। अरे वाह मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा।